असुर माता दनु के असुरी प्रभाव से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के शिशु रूप लेते हैं असुरों का। तुम्हारे इस वृंदावन को नष्ट कर देंगे। यमराज, एक असुर ने छल पूर्वक मेरे गुरु भाई की हत्या कर दी है और आपके यमदूत उनकी आत्मा को यहाँ ले आए हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु एक बार यमलोक में आई हुई आत्मा को मैं वापस नहीं लौटा सकता। नियति से बाध्य श्री कृष्ण होते हैं भुवन के प्राण बचाने में लाचार। असुरों की टोली के बीच फंसी संतान लक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं असुरी शक्तियों को धारण करने में। विष्णु की इस संतान लक्ष्मी को हमने दानव रूप में पूर्णता स्थापित कर दिया। अब इस संसार में जितनी भी संतानें होंगी वो केवल दानव और असुर ही होंगी। मेरी आपसे विनती है कि आप देवी संतान लक्ष्मी को मुक्त कर दीजिए। कदापि नहीं। यदि आप विधि के विधान को बदलने का प्रयास करेंगे तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा। दंड तो मुझे नहीं, आज मैं तुझे दूंगी। असुरी बने वृंदावन के समस्त शिशु काल का रूप लेते हैं लक्ष्मी स्वरूपा राधा के लिए। गुरुदेव, इन असुरों को रोकने का कोई तो मार्ग होगा। ये वास्तव में असुर नहीं है, दानव लक्ष्मी के असुरी प्रभाव के कारण असुर बन गए हैं, इसलिए हम इनका अंत भी नहीं कर सकते। मैं मार के बाधा बनने वाले इन दानवों का अंत कर दीजिए। और क्या समय रहते श्री कृष्ण संतान लक्ष्मी को मुक्त कर अपने गुरु भाई के प्राण पुनः ला पाते हैं। कान्हा और धनलक्ष्मी को पराजित करने की तुम्हारी अभेद्य योजना है क्या? आज से 4 दिन बाद महाचतुर्थी मनाई जाएगी। उस दिन संसार की सभी स्त्रियां महापीपल की पूजा करती हैं। बस हमें अब उनके इस शुभ दिन को अशुभ दिन में बदलना होगा। देखिए धर्म युद्ध अब होगा गंभीर, जब माता लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी ही देंगी अधर्म का साथ, जिससे बढ़ेगी श्री कृष्ण के लिए असीम कठिनाई। लक्ष्मी के नकारात्मक भावों को असुर कंस स्थापित करेगा गुरु गर्गाचार्य में। तेरे जीवन से एक तिथि की हानि हो चुकी है गर्गाचार्य, अब तो शुभ नहीं अशुभ ही अशुभ करेगा। और धूर्त भ्राता रंभ क्रंभ के असीम धन का रहस्य जान पाएंगे श्री कृष्ण। ये धन पाने के लिए एक मणि का दुरुपयोग करे, किंतु ये कौन सी मणि है? असुर कंस के फैलाए जाल में फंसे गुरु गर्गाचार्य स्वयं वृंदावन आमंत्रित करवाते हैं अलक्ष्मी को। आज महाचतुर्थी का दिन है, इसलिए हमें माता धनलक्ष्मी की पूजा आज के दिन ही करनी होगी। यदि हम पूजा आज करेंगे तो वृंदावन में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। और धूर्त भ्राता रंभ क्रंभ के रहस्यमयी धन के स्रोत को जान, अब क्या करेंगे श्री कृष्ण? हम आप लोगों को अंतिम अवसर दे रहे हैं, अधर्म का ये मार्ग छोड़ दीजिए। यदि तुमने धन लक्ष्मी को समाप्त कर दिया, जैसे संसार में उस लक्ष्मी को पूजते हैं, वैसे ही घर घर में तुम्हारी पूजा की जाएगी। अलक्ष्मी के आगमन से फैलेगी पूरे वृंदावन में नकारात्मकता, और इस नकारात्मकता से प्रभावित होंगी देवी लक्ष्मी तथा स्वयं श्री कृष्ण। तुम्हारे भक्त तुम्हारी आराधना अवश्य करेंगे, परंतु उन्हें फल तुम्हारी बहन अलक्ष्मी से मिलेगा। अब किस प्रकार श्री कृष्ण सामना करेंगे इस नई चुनौती से? परम अवतार श्री कृष्ण के जीवन में पहली बार लगाया जाता है उन पर चोरी का महा आरोप, जिसे स्वयं स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण। यदि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाया तब तुम्हारे भाई की हत्या और मणि की चोरी के अपराध में तुम मुझे जो भी दंड दोगे मुझे स्वीकार होगा। संगीन स्थिति में फंसे श्री कृष्ण अब किस प्रकार निर्दोष साबित करेंगे स्वयं को? श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में अलक्ष्मी जमाएगी अपने नकारात्मक ऊर्जा भरे पैर। यदि आप सच में मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो जाइए, अंत कर दीजिए अपनी पत्नियों का। देवी, आपके लिए हम स्त्री धन तो क्या, संपूर्ण वृंदावन के धन को नष्ट कर देंगे। आप लोगों ने मेरे प्रति अपना पूर्ण समर्पण सिद्ध किया है, इसलिए मैं आप सबका वरण करने यहाँ प्रस्तुत हूँ। और हत्या तथा चोरी के आरोप से कैसे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करेंगे श्री कृष्ण? स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने हेतु श्री कृष्ण को करना होगा बलराम दाऊ को शेषनाग रूप लेने के लिए प्रेरित। हे शेष, जागिए और अपनी शक्ति को भी जगाइए, अन्यथा पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। और अलक्ष्मी के मायाजाल में फंसे वृंदावन के पुरुष दरिद्रता को भी स्वीकार करने हेतु हो जाते हैं तैयार। हम नहीं जानते कि आप हमें क्यों भ्रमित कर रहे हैं, किंतु ये दरिद्रता की नहीं अपितु आनंद की देवी है। नारायण नारायण। प्रभु, यह आपकी कैसी माया है? जिस शेष अवतार बलराम के प्रहार से बड़े असुर पराजित हो जाते हैं, आज उसी बलराम के प्रहार इस स्त्री पर प्रभावहीन है। किंतु प्रभु, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि परम अवतार श्री कृष्ण के एक ही आघात से यह स्त्री तिनके के भांति शक्तिहीन हो गई। यह आपकी कौन सी लीला है प्रभु, क्या रहस्य है?
कौन है ये वज्रबाला प्रभु? देव ऋषि, वज्रबाला कोई शत्रु नहीं, अपितु मेरे ही परम भक्त है। नारायण नारायण। प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी भक्त है? आपने तो मुझे चकित कर दिया प्रभु। चकित ना हो ऋषिवर, ये वज्रबाला पिछले जन्म में मेरी परम भक्त कौमुड़ी थी। देव ऋषि, कौमुड़ी को गदा देवी भी कहते हैं और इन्हें मैं अपने कर कमलों में धारण करता हूँ। नारायण नारायण। किंतु प्रभु आपकी परम भक्त वज्रबाला परम अवतार श्री कृष्ण पर प्रहार क्यों कर रही? देव ऋषि, आप जानते हैं कि बिन कारण कोई कर्म नहीं होता और बिन कर्म नियति नहीं होती। नारायण नारायण। किंतु प्रभु वज्रवाला से ऐसा कौन सा कर्म हो गया था कि वो आसुरी प्रवृत्ति की स्त्री बन गई और आपके भक्त होकर अपने भगवान की स्मृति भूल बैठी? देव ऋषि, जब त्रेता युग में विश्वकर्मा भगवान शिव के लिए भव्य लंका का निर्माण कर रहे थे तब मेरी इस भक्त वज्रबाला को इस बात का आभास हो गया था कि यही लंका भविष्य में मेरे राम अवतार के लिए संकट का कारण बनेगी। इसीलिए मेरे प्रेमवश कौमुड़ी ने उस लंका को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। नारायण नारायण। हे प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? देवों के देव महादेव की नगरी को विध्वंस करने का साहस? जी ऋषिवर, यही है भक्त और भगवान का रिश्ता। प्रेम उसे भय रहित कर देता है। इसीलिए एक दिन मुझे योग निंद्रा में पाकर मेरी परम भक्त वज्रबाला यानी कौमुड़ी ने लंका पहुंचकर उसे खंडित करने का निश्चय कर लिया। हे प्रभु विष्णु, ये लंका कालांतर में आपके और माता लक्ष्मी के लिए संकट उत्पन्न करेगी और इसलिए आज कौमोदकी इस लंका को खंड खंड कर देगी। आज मैं तेरा अस्तित्व मिटा दूंगी। देव ऋषि, जब भी मैं योग निंद्रा में होता हूं वज्रबाला यानी कौमुड़ी लंका को खंडित करने लगती है। तुम्हें बालक समझकर अंतिम अवसर दे रही, तुम चाहो तो अपनी और अपने दाऊ के प्राणों की रक्षा कर सकते हो। वज्रबाला वास्तविक योद्धा अवसर नहीं आघात देते हैं। कंस वध के लिए पंच शस्त्रों की खोज में निकले कान्हा करते हैं वज्रबाला से युद्ध और अपने अंत को भांप चुका कंस करता है मृत वाहिनी सेना को जागृत करने का प्रयास। यही वो रास्ता है जिससे मोटल्लो तिवारी जी और भाभी जी को क्रूज के टिकट्स देने के लिए निकलेगी, लेकिन मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। सेठ जी, जब बड़े बड़े लोग शिप पे आवे हैं तो फिर आप जैसे नल्ले कैसे घुसाए? सिंगर बनना आसान ना है, वाह के लिए रियाज करना पड़तो है, मेहनत करनी पड़तो है। अरे नाना अम्मा ऐसी बात ना है, अगर सुर पे तुम्हारी पकड़ हो ना तो फिर कम रियाज से भी अच्छो सिंगर बनो जाते हैं। एक काम करते हैं बहू, जब वो पप्पी लहरी आएगो ना तो दोनों बा के सामने गा के सुनाते हैं। अब जे देखनो है कि बाको किसको गानो पसंद आएगो। हाँ हाँ अम्मा, जो कर ले जो अच्छा गए वो ही सेलेक्ट हो एल्बम में। बस कर वे देख, तू ये क्या कर रही है? तू ये सब करके मुझे अपने पास नहीं, मुझे अपने आप से दूर कर रही है। मैं जितना चित्रा को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ तू मुझे उतना ही उसकी याद दिला रही है। छोटा तो मछली खाए, जरूर इस दीवार के पीछे कुछ हो सकता है। आ,
अब ये दीवार इतनी पक्की हो चुकी है कि कोई बुलडोजर भी इसे नहीं तोड़ पाएगा।